मध्य प्रदेश के सीधी जिले में पुलिस के कारनामे सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। विगत दिनों पुलिस के द्वारा पत्रकार और युवाओं के साथ बर्बरता का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि एक और वीडियो सामने आ गया है। इसमें अमीलिया थाना में पदस्थ रहे तत्कालीन थाना प्रभारी अभिषेक सिंह परिहार एक व्यक्ति को डंडे से पीट रहे हैं। वीडियो में अभिषेक सिंह परिहार भरे बाजार में प्लास्टिक नुमा डंडे से युवक की पिटाई कर रहे हैं। सोशल मीडिया में वायरल हो रहा यह वीडियो करीब एक सप्ताह का पुराना बताया जाता है। तत्कालीन थाना प्रभारी के द्वारा एक व्यक्ति की पिटाई की जा रही है। कुछ पुलिसकर्मी उस व्यक्ति को पकड़ रहे हैं। व्यक्ति के बार बार हाथ पांव जोड़ने के बाद भी साहब को रहम नहीं आ रहा। पिटाई करने के बाद जबरन उसे गाड़ी में बैठाया जा रहा है। फोटो वायरल होने के मामले में आपको बता दें कि तत्कालीन थाना प्रभारी अमीलिया अभिषेक सिंह परिहार विगत दिनों सिवनी कोतवाली थाना में पत्रकार और अन्य व्यक्तियों के साथ फोटो वायरल होने के मामले में निलंबित है। दरअसल कोतवाली के सामने प्रदर्शन कर रहे युवाओं और एक पत्रकार को पुलिस ने पकड़ लिया था। इसके बाद इन युवकों को अर्धनग्न कर फोटो खींचे थे। इनमें ये युवा कोतवाली थाना प्रभारी के कक्ष और हवालात में दिखाई दे रहे हैं। आरोप लगा था कि अमीलिया थाना प्रभारी ने ये फोटो निकाले थे। वहीं सीधी की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजू लता पटले का कहना है कि अभी इस मामले में कोई जानकारी नहीं है कि इस प्रकार की कोई घटना हुई है। वीडियो सामने आने के बाद हम जांच करेंगे, उसके बाद जो सही होगा उसके उपरांत कार्रवाई की जाएगी। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओत प्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, झूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।